नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात किया जाएगा यूपीएसआई वैकेंसी 2021 के बारे में। एग्जाम डेट को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे चैनल पे आज से लगभग 15 या 20 दिन पहले आपको एक ऑडियो कॉल डाला गया था जो भर्ती बोर्ड द्वारा डाला गया था, उसके बारे में कुछ अपडेट दिया जाएगा। कब तक एग्जाम होने की संभावना उसके बारे में बताया जाएगा। और सबसे बड़ा अपडेट, किस प्रकार की स्थितियाँ भर्ती बोर्ड को सामना करना पड़ रहा है इस टाइम एग्जाम डेट को लेकर, सेंटर को लेकर, उसके बारे में बताया जाएगा। पॉसिबिलिटी क्या है, कब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, तैयारी में आप लगे रहिए या नहीं लगे रहिए या अन्य किसी एग्जाम में फोकस कीजिए, ये भी बताया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर नया वीडियो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये कुछ दिन मैंने पहले ऑडियो कॉल डाला था, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा भर्ती बोर्ड का ऑडियो कॉल था। इस ऑडियो कॉल में आप भी देखे होंगे यदि हमारे चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर है, ठीक है। इस ऑडियो कॉल में भर्ती बोर्ड ने बताया था कि अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम डेट आ सकता है, ठीक है। उन्होंने ये बोला था, ठीक है, ये ऑडियो कॉल आप सुने होंगे। और उन्होंने ये भी बोला था कि अभी कोई एग्जाम डेट का आपका क्लियरेंस नहीं है, डेट फिक्स नहीं हुआ है। तो बहुत से भाई ने कमेंट किया था कि सर ये तो आपके घर का है, ये नंबर वो नंबर, तो वो गधे हैं, ठीक है। गधों से कोई ज़्यादा तुलना नहीं किया जाता, ना ही गधों को कुछ बात सिखाया जा सकता है। जिनको इतना ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, मतलब भाई से बात करने की क्या ज़रूरत है। कौन सा लगता है सर 10,000 वैकेंसी मुझे अपने घर भरना है, तो आज वही बात सही हो गई, ठीक है। ऑडियो कॉल में जो बताया गया था सच्चाई आ गई ना, डेट अभी क्लियर नहीं है। अब तो आपको पता हो गया होगा कि भैया ये ऑडियो कॉल 100% सही था। देखिए जो जानकारी हमारे चैनल पे आज तक दी गई यूपीएसआई की, जो ऑफिशियल ऑडियो कॉल, वो कभी गलत हुई नहीं है, चाहे नोटिफिकेशन से लेके, चाहे आपको पहला जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो वैकेंसी के बारे में बताया गया था कि 9,000 वैकेंसी हो सकती है, सबसे पहले हमारे चैनल में बताया गया था। तो जो जानकारी देता हूँ 100% ऑफिशियल देता हूँ, ठीक है। तो ऑडियो का आप जरूर सुन लीजिएगा। इसमें आपको स्पष्ट बता दिया गया है कि अक्टूबर नवंबर तक डेट आ सकता है। समस्याएँ बताई गई थी एग्जाम सेंटर को लेकर इस ऑडियो कॉल में। दोस्तों यूपीएसआई के लिए आपका मॉक टेस्ट आ चुका है, जो सबसे कम दाम में, यूपी के सबसे कम दाम में आपको मॉक टेस्ट हमारे चैनल पे प्रोवाइड करा जा रहा है। 399 का जो मॉक टेस्ट आपको मिल रहा था, अब वो घट के 280 रुपये हो चुका है। आपको एक बस काम करना पड़ेगा, आपको ये कोड दिख रहा है UPJOB, ये कोड डालने के बाद ही आपको, पहले हमारे चैनल पे 10% का डिस्काउंट मिलता था, अब ये बढ़ा दिया गया, इसको 30% कर दिया गया आपके भारी डिमांड पे। क्योंकि बच्चों का जब डिमांड बढ़ता है तो वैसे ही आपको कंपनी आपको फायदा भी देती है, ठीक है। पहले 10% था, लेकिन हमारे कोड द्वारा, UPJOB कोड द्वारा, अब इसको 30% कर दिया गया है। 399 का अब 299 में उपलब्ध कराया जा रहा है, और 699 का आपको 490 में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मेरे तरफ से यही रहेगा कि आप 699 का लीजिएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्या बेनिफिट, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको SSC कवर करा दिया जाएगा, आपको रेलवे का जो आपका NTPC CBT2 होना वो भी इसमें हो जाएगा, आपको UPSI UPASI UP लेखपाल सारे इसमें ऐड कर दिए गए हैं। 26,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इसको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें 400 प्लस एग्जाम आपको ऐड किए गए हैं। तो UPJOB कोड डालिएगा, ये कोड डालने के बाद ही आपको ये सारे डिस्काउंट या बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। नीचे मैं सारे एग्जाम के जितने भी SSC हो गया, UPSI UPASI UP लेखपाल UP कांस्टेबल जितने भी एग्जाम है, सारे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तुरंत जाके ले लीजिए। RO ARO UPPC सारे एग्जाम के हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, भर्ती बोर्ड को एग्जाम सेंटर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम सेंटर, आपने TCS एग्जाम जानते हैं, TCS है, सबने एग्जाम सेंटर क्लियर कर लिया है। SSC का सारा एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, तो वो टलने वाला है नहीं। नवंबर से लेके आपका दिसंबर तक चल रहा है SSC GD, जिसकी संख्या 50 लाख के करीब है, तो फिर तो एग्जाम सेंटर मिलना असंभव सा है, ठीक है। बीच में यदि TCS एग्जाम करा ले रही है आपका CBT2 रेलवे का, तो वहाँ पे भी इम्पॉसिबल है सेंटर मिलना। तो फिर भैया सेंटर आपको 15 दिसंबर के बाद ही मिलेगा, एग्ज़ाम होना रहेगा तो 20 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में हो जाएगा, नहीं होना रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि फिर जनवरी से नया कैलेंडर SSC का है, और जनवरी से UP में आचार संहिता लगने वाला है। तो पुलिस भर्ती बोर्ड अपना काम पूरा फोकस करेगा आपका चुनाव पर, ना कि आपका एग्ज़ाम कराएगा। ये भी क्लियरेंस है, मार्च में फरवरी तक चुनाव होना है, तो आपको चुनाव संबंधी जानकारी मिली गई होगी कहीं ना कहीं से, या मैं डिटेल आपको डाल दूंगा जल्द से जल्द। तो यही संभावना है, दिसंबर से पहले आपका एग्जाम होने की कोई उम्मीद नहीं है। दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में एग्जाम नहीं होगा, 15 जनवरी से पहले तो आपका एग्जाम नहीं होगा UPSI का, ये भी क्लियर है। तो भर्ती बोर्ड की तैयारी है कि जल्द से जल्द एग्जाम करा ले, नवंबर में एग्जाम कराने की तैयारी। हो सकता है 2-4 सेंटर 10 सेंटर जो भी हर जिले मिल जाए, एग्जाम थोड़ा लेट ही चलेगा लेकिन करा लेगी। तो यही जो जानकारी थी आपको दे दी गई है, फोकस करते रहिए, जल्द जल्द कोई अपडेट आप जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि अभी एग्जाम डेट का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और ना ही कोई संभावना है जो भर्ती बोर्ड बताना चाहता है। तो जो जानकारी थी आपको दे दी गई, किसी बात कोई दिक्कत आती है चेक कमेंट कर दीजिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद।